इसमें गरीब लोग ज़्यादा हैं और वो विटामिन्स नहीं ले सकते, लाइक फ्रूट नहीं खा सकते, वो ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन ज़्यादा हैं वो अफोर्ड नहीं करते। तो घी और ऑयल तो हर बंदे ने खाना है क्योंकि उसने खाना खाना है। हमारे मुल्क में घी और ऑयल के बगैर कोई खाना नहीं खाता, तो उसमें अगर विटामिन हम डालते हैं या लोगों को मिलता है तो उनकी सेहत के लिए ऐसे ही है जैसे आपने किसी को। The public is not aware of the deficiencies they are having. We need to give them awareness that they should be using the fortified wheat flour, because if there is not no demand in the market, so people are not going to buy that. इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं। हम फोर्टिफाइड आटा नहीं रखते और ना ही यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। हमारा ना एवरी मंथ और आफ्टर टू मंथ एक मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम लोग जो टेक्निकल स्टाफ होता है हमारा वो लोगों को अवेयरनेस देता है इसकी पूरे पाकिस्तान में। उसमें भी हम इसके ऊपर पाम ऑयल और ये विटामिन्स के ऊपर काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, इवन तकारीर से जो वहाँ पे की जाती हैं स्पेशलिस्ट आए होते हैं वो भी हमें अवेयरनेस देते हैं। हर साल प्रोग्राम होता है एक दो लस्सी के साथ खाए, इसलिए इसको हमने इनके साथ बैठ कर ये फाइनल किया कि आटे में फर्टिफिकेशन की जाएगी और ये हमारे लिए एक नेशनल कास्ट है। उस कास्ट के मुतल्लिक साथ हम इनके मिलकर ये काम गेंद के साथ कर रहे हैं। कर कम से कम 20 मिलों में इस वक्त तक मेट्रो फीडर लग चुके हैं जिसने अभी काम शुरू किया हुआ है। कुछ लोगों थोड़ी बहुत इस पर प्रोडक्शन की जाती है अभी, चूँकि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ मुख्तलिफ एक्सपोर्ट के लिए बदलती रहती हैं। पुर उम्मीद है चूँकि हुकूमत की पॉलिसी वक्त के साथ बदलती रहती है, अगर इस फर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट तामन करे एक यकजा पॉलिसी यकसान दे दे इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ये तरक्की नहीं करेगा, ये पूरे मुल्क में फैलेगा, सब लोग होंगे इससे मुस्तफीद होंगे, इसके अभी वर्क की ज़रूरत है।